मॉर्निंग माई डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। टूडे आई विल डिस्कस अबाउट टेक्निक्स ऑफ मल्टी लिंग्विज्म। जैसे कि सबसे पहले हमने मल्टी लिंग्विज्म के बारे में जाना था, फिर फीचर्स ऑफ मल्टी लिंग्विज्म किए थे, तो आज हम टेक्निक्स ऑफ मल्टी लिंग्विज्म करेंगे कि कैसे एक लर्नर जो है उनमें मल्टी लिंग्विज्म, उनके जो लैंग्वेजेस हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस आएँ और वो दूसरों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है विजुअलाइजेशन। किसी भी बोर्ड या फिर जो होते हैं फ्लैप कार्ड्स हो गए या फिर जो फ्लैनल बोर्ड्स लगे होते हैं, तो उनमें जो है कुछ ना कुछ लिखा होता है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। आपने देखा होगा कई बार जो है हिंदी में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी लिखा होगा और एक रीजनल लैंग्वेज में भी लिखा होगा। तो वो क्यों ऐसा लिखते हैं? ताकि बच्चे जो है वो समझ पाएँ। उनमें जो है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस लर्न करने की एबिलिटी और बढ़े। इसीलिए जो है जितने भी हमारा जो स्टडी मटेरियल होता है, अगर उन्होंने फ्लैनल बोर्ड पे लगाया है तो वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लगाते हैं, ताकि बच्चे जो हैं उनमें मल्टी लिंग्विज्म जो है वो और बढ़े और उन्हें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो आएँ। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग। इससे क्या होता है? इनकरेज स्टूडेंट्स ऑफ मिक्सड एबिलिटीज टू वर्क टूगेदर बाय प्रमोटिंग स्मॉल ग्रुप और होल क्लास एक्टिविटीज़। इसमें जो है बच्चों को, जैसे बच्चों के लिए ग्रुप बना दिए जाते हैं, स्मॉल ग्रुप भी हो सकते हैं या लार्ज ग्रुप भी हो सकते हैं, या फिर हम एक पूरी क्लास को भी एज अ ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं, जिससे बच्चों में जो है मल्टी लिंग्विज्म की जो है वो डिवेलपमेंट हो। नेक्स्ट है इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस। Encouraging students to ask questions and investigate their own ideas helps improve their problem solving skills. इसमें क्या होता है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा encourage किया जाता है ताकि वो question पूछें और अपने ideas जो हैं वो और सभी को express कर सकें और उनकी जो problems हैं वो और solve हो सकें, problem solving skills जो हैं उनमें आ सकें और उनकी जो है deeper understanding हो सके, उनके जो concepts हैं वो clear हो सकें, उनमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, इसमें जो है लाइफ स्किल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ताकि बच्चों में जो है कैसे रहना है, दूसरों के साथ कैसे इंट्रैक्ट करना है और मल्टी लैंग्वेजेस जो हैं वो आती होनी चाहिए। इसीलिए जो है इसमें बच्चों को की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। क्लासरूम में जो है डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज, आजकल जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, ताकि बच्चे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में और ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें और उनमें जो है मल्टी लिंग्विज्म की डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है बिहेवियर मैनेजमेंट। मल्टी लिंग्विज्म से जो है बच्चे को बिहेव कैसे करना है दूसरों के साथ, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, अपने जो पीर ग्रुप है उनको भी इक्वालिटी के साथ देखना है, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, ठीक है, अपना फुल पोटेंशियल जो है वो यूज़ करना है, कैसे दूसरों के साथ बिहेव करना है, कैसे अपना जो बिहेवियर है मैनेज करना है, ये भी आता है। नेक्स्ट है यूज़ मल्टी लैंग्वेज डिक्शनरीज़। आजकल जो है डिफरेंट डिफरेंट डिक्शनरीज़ हैं जिससे हम क्या वर्ड मीनिंग देखते हैं, हम क्यों देखते हैं, ताकि हमें उस लैंग्वेज के बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो हमारे जो है लैंग्वेज की एबिलिटी जो है और बढ़ती है, हमें और ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो हैं हम इससे सीख पाते हैं। सो आज हमने टेक्निक्स ऑफ मल्टीलिंग्विज्म किया। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।